एमएल अग्रवाल चैप्टर 16 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 16.1 टू क्वेश्चन नंबर 8 इफ द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से नेम शो कर देते हैं ए बी एंड सी इज 36 सेंटीमीटर यानी पैरामीटर पैरामीटर का फार्मूला क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स अगर सभी साइड्स को ये थ्री साइड्स को ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट कितना है 36 सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स एरिया एंड हाइट और हाइट भी हमें फाइंड करना है तो इसकी हाइट भी हम कर लेते हैं क्योंकि हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल भी बनाते हैं एंगल ट्रायंगल ये अगर देखिए ऑब्ट्यूस है ये अगर हम बोलें कि इसमें आप हाइट बनाएं तो ये नहीं कि इसकी हाइट आप यहाँ से कर दें हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है 90 डिग्री तो इसकी हाइट आपकी यहाँ पे बनेगी ये बात याद है तो हाइट के लिए आप उसके हेड से पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें वही उसकी हाइट कहलाती है यानी ये हुआ आपका एच हमें ये भी फाइंड करना है और इसका एरिया भी फाइंड करना है लेकिन यहाँ पे हमें गिवन क्या है सिर्फ एक ही क्या वह पैरामीटर सो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 36 अभी हमने आपसे बताया कि सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए वो 36 होता है अब ये ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल मीन्स सभी साइड्स इक्वल होंगे तो चलिए इसके साइड को हम लेट कर लेते हैं ए क्या कर लेते हैं ए ठीक है लेट सबसे फर्स्ट आप क्या कर लीजिए लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है इसे आप फर्स्ट कर लीजिएगा ए तो यहाँ पे ए हो गया तो पैरामीटर का फार्मूला तो वही होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स तो सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए मीन्स ए प्लस ए प्लस ए क्योंकि हमारे पास थ्री साइड्स हैं ए ए और ए तो थ्री साइड्स को ऐड कर दिए तो इसका रिजल्ट क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 सेंटीमीटर सो 3a इज इक्वल टू 36 सो a इज इक्वल टू 36 अपॉन 3 3 वन जा 2 जा सो a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मीन्स इसके सभी साइड्स क्या हुए 12 ये भी 12 हुआ ये भी आपका 12 हुआ कंप्लीट अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप हेरोन्स अप्लाई कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हेरोन्स में आप सेमी पैरामीटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है और उसका रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला आपको शॉर्ट में मिल जाएगा तो रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर ये आपका फार्मूला कहीं से आया नहीं है ये हेरोन से ही बना है ये बात याद रखिएगा आप इसे एक बार कर सकते हैं ठीक है ये कोई फार्मूला ये नहीं ये डिज़ाइन किया गया है अलग से नहीं ये हेरोन से ही आया है सो इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 और साइड तो इसके सभी 12 हैं तो 12 × 12 क्योंकि साइड यहाँ डबल है 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 सो 36 रूट 3 सेंटीमीटर और क्या फाइंड कर रहे हैं आप एरिया तो स्क्वायर ज़रूर करिएगा यहाँ पे अब देखिए ये फाइनल हो गया कि ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये फाइनल है ये पूरे ट्रायंगल का अब देखिए हाइट फाइंड करने के लिए आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं दो तरीके से कैसे 90 डिग्री है और आपके पास दो साइड हैं देखिए ये भी साइड है 12 और ये आपका 12 का हाफ 6 हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 क्योंकि ये 6 है ये 6 है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर उसके हेड से कहीं पे भी पॉइंट आप राइट एंगल ड्रा करते हैं तो उसे वो बाइसेक्ट करता है टू पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तो ये 6 हो जाएगा ये 6 हो जाएगा तो 90 के अकॉर्डिंग पाइथागोरस से आप दो साइड को लेके इसे फाइंड कर सकते हैं और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो एरिया इनटू हाइट लगा दीजिए मतलब आपके पास दो चांस है ठीक है इसको करने के दो रूल्स हैं आप चाहें तो एरिया इनटू हाइट भी एरिया आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कर लीजिए चलिए वही करके देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है
वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑलरेडी है, बेस भी है, तो 90 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एरिया हमारे पास ये आ गया, क्योंकि एरिया चेंज नहीं होगा, ये बात याद रहे। तो यहाँ 36 रूट 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2, हमारे पास बेस भी है, देखिए बेस क्या है 12 है, तो 12 यहाँ कर दीजिए, हाइट फाइन करना है, 26 जा 12, एच को स्टॉप कर दीजिए, और 36 रूट 3 अपॉन 6 जा 36, ये आ गया। सो इसके आगे आप क्या करेंगे, 6 और रूट 3 है, अगर ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है, लेकिन अगर आप हाइट एग्जैक्ट देना चाहते हैं तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7320 डैश डैश, क्योंकि इरेशनल नंबर है। सो एच 6 का इंटू कर लीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 1 19, 1 रिमाइंडर, 6 7 जा 42, ये आपका 43 हो जाएगा, 0.61 जा 6 4 10, ये आपका फाइनल आंसर है। आप जितने डिजिट तक आप इसे अटेंड करना चाहें कर सकते हैं, अगर 2 डिजिट तक करना चाहते हैं तो इसे आप हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10.40 हो जाएगा, आप 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ये हुआ हाइट, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 टू फर्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ ट्रेंगल आर इन द रेशियो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, मेंसुरेशन हो या अल्जेब्रिक करें या रेशियो में करें, कुछ भी करें, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम पे रेशियो में अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसे फर्स्ट सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग ही पॉइंट होनी चाहिए लेट द रेशियो, तुरंत उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल्स में, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन पे आप पाएँ रेशियो, लेट द रेशियो ऑफ, अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर लें किसके बारे में ये रेशियो है, तो किसके बारे में, साइड ऑफ ट्रायंगल, और उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए लेट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, और उसे कन्वर्ट कर दीजिए एक वेरिएबल्स में, 3x 4x एंड 5x, सिंपल। अब आप ट्रायंगल यहाँ पे बना लीजिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे देखिए गिवन है पैरीमीटर, और पैरीमीटर का अभी डिफिनेशन हमने आपसे बताया, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, और साइड्स हमारे पास क्या है, रेशियो से हमने कन्वर्ट किया 3x 4x एंड 5x, तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है, 48 कर लीजिए, पैरीमीटर में सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट 3x है, 3x, दूसरा 4x, थर्ड 5x, इक्वल टू 48, 5 4 9 9 3 12, सो 12x इक्वल टू 48, सो x इक्वल टू 48 अपॉन 12, 12 4 जा 48, ये हो गया। x की वैल्यू को सभी साइड्स पे अटेंड कर दीजिए, 3x है फर्स्ट, तो 3x मीन्स 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, तो फर्स्ट हुआ आपका 12 सेंटीमीटर। सेकेंड 4x है, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, चलिए 16 हो गया। थर्ड है 5x, सो 5x को भी कन्वर्ट कर लीजिए, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमें, एरिया, ये तो सिंपल है कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, हेरोन्स, क्योंकि जो साइड्स हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेमी पैरीमीटर इज इक्वल टू, सेमी पैरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, अब ये सेमी मीन्स होता है हाफ, क्या होता है हाफ, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 का हाफ क्या होता है, 50 होता है, कैसे, 2 का डिवाइड करते हैं, तो भाई पैरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, ये है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 20 प्लस 12, भाई सेमी का मीन्स क्या हुआ हाफ, तो हाफ कर दीजिए उसका, सिंपल ऐड करिए, तो 20 32 38 48 अपॉन 2 24, ये आ गया सेमी पैरीमीटर। सो अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और इसी फार्मूले से आपका ये फार्मूला बना हुआ है, याद रखिएगा, ये
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसे, यहाँ पे देखिए सभी साइड सेम है, एस एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। एस प्लेस पे क्या है, 24 सेमी पैरामीटर कितना है, 24, फिर से 24 सेमी पैरामीटर। फर्स्ट साइड क्या है आपका, 12 कर दीजिए। सेकंड यहाँ पे 24 कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सभी जगह एस है। बी क्या है, 16 एंड 24 माइनस सी क्या है, 20। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। सो इज इक्वल टू 24 माइनस 12 भी होगा, 16, 8, 24 एंड 4। अब इसे आप पेयर बनाएं, पेयर या फैक्टराइज करें, लेकिन माइंड से करें जिससे आपको जल्द से जल्द आंसर आ जाए। जैसे देखिए कैसे, 24 है, क्या हम 24 को 2 इंटू 12 कर सकते हैं, कर सकते हैं, 12 2 24, और बगल में भी 12 है, तो 12 को फैक्टराइज बिल्कुल भी मत करिएगा। क्यों करें, क्योंकि ये तो पेयर ऑलरेडी बन गया, ये तो आउटसाइड होने वाला है। अब यहाँ पे भी देखिए एक 2 है ना यहाँ पे 2, और ये 4 है, तो कुछ भी मत करिए, आप इसे सेम कर दीजिए ऐसे। अब गौर से देखिएगा, 12 तो आपका आउटसाइड हो गया, नो डाउट, 12 को बाहर कर दीजिए, ये 4 को 2 से इंटू कर दीजिए, 8 हो गया ना, एक और 8 है, ये भी तो पेयर बन गया ना। तो हमें इन सेटअप सिर्फ सेटअप करना है, वो भी अपने माइंड से। तो 12 8 96 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड करना है, एरिया स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 9 to 2nd नंबर, सेम क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ट्रेंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है जो ट्रेंगल फॉर्म पे है, उसका रेशियो दिया है 3:5:7। सेम क्वेश्चन है, वही करना है हमें। पैरामीटर देखिए, इसमें आपका दिया 48, इसमें 300 है, फाइंड द एरिया, और रूट 3 की वैल्यू हमें इसमें इंक्लूड करनी है। तो चलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर लिया, जैसे सेम क्वेश्चन में हमने किया, लेट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर, हमने कन्वर्ट किया एक्स फॉर्म पे, 5x 7x, ठीक है, 3x 5x एंड 7x। पैरामीटर का तो वही फार्मूला है, तो सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू आएगी यहाँ पे। सो 3x + 5x + 7x इज इक्वल टू 300, 7 5 12 12 3 50, 15x is equal to 300, so x is equal to 300 upon 15, 15 2's are 30, so x is equal to 20 हो जाएगा। अब x की वैल्यू को इन साइड्स पे अप्लाई कर दीजिए, so 3x is equal to 3 into 20 means 60, तो फर्स्ट साइड आपका होगा 60, फिर है 5x, 5 into 20, 5 2 10 100, और 7x, 7 into 20, यानी 7 2 14। अब देखिए इसमें रूट 3 की वैल्यू इंक्लूड करनी है, यानी हमें पहले से ही पता है कि हमारा आंसर में रूट ज़रूर आएगा, यानी इस तरह से क्लियर आंसर नहीं आएंगे, क्लियर, जैसे हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है, यानी ये तो क्लियर है कि रूट 3 ज़रूर सेफ होगा। सो एरिया फाइंड करना है, सेकेंड आपका 100 और ये 140, सो सेमी पैरामीटर, सेमी मीन्स हाफ, हाफ मतलब हाफ कर दीजिए, किसका, सभी साइड्स को ऐड करके 100 + 140, तो 60 40 100 हो जाएगा, 200 और 300 अपॉन 2। वैसे भी हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैरामीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इसका ही हाफ कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम सॉल्व यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो आपको अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बिना जोड़े बिना ऐड किए 300/2 कर सकते हैं। सो अप्लाइंग हेरोंस फार्मूला, हेरोंस फार्मूला, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सेमी पैरामीटर क्या है, 150, 150 माइनस फर्स्ट साइड 60, सेकेंड साइड 100 एंड थर्ड साइड 140।
सो रूट 150 इंटू 60 है यहाँ पे, सो 90 60 150 इंटू 150 माइनस 150 इंटू, ये तो 10 आ जाएगा नो डाउट। अब इसमें आपको सेटअप पेयर बनाने हैं, ठीक है, जिससे हमारा ज़्यादा इजी हो जाए। तो देखिए 150 है तो क्या हम इसे 3 इंटू 50 कर सकते हैं, 3 5 15, और ये 50 का पेयर ये हो जाएगा, क्लियर। देखिए 150 को हमने ये कर दिया, अब 50 को इसके बगल में कर लीजिए, राइट, ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए 90 है, यहाँ पे क्या है 10 है, तो 90 को हम 9 इंटू 10 कर सकते हैं, कोई डाउट, ये यहाँ पे हमने कर दिया, ये 50 ये है और ये 150 का ये है, देखिए 9 इंटू 10 कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि बगल में 10 है पेयर बनाने के लिए, और पेयर आपका बन गया तो आपका आउटसाइड हो जाएगा। तो देखिए 50 का है पेयर, 50 आउटसाइड कर दीजिए, 10 का पेयर है 10 को आउटसाइड कर दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, 9 का ऑलरेडी स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है 3 को भी आउटसाइड करें। अब देखिए अकेला बचा ना 3, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि रूट 3 आना ही चाहिए, रूट 3 ये सेफ हो गया। 5 10 50 यानी ये 500 हो जाएगा इंटू 3 रूट 3, सो 5 3 15 100, रूट 3 की वैल्यू 1.732। ये सब वैल्यूएँ रिमाइंड होनी चाहिए, ठीक है, जैसे रूट 2 का 1.414, रूट 5 2.236, ऐसे आपको एकदम लर्न होनी चाहिए। सो 1500 का 1.732 में इंटू करेंगे तो 2598 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, इन विच उसमें AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4, यानी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें AB और AC क्या है इक्वल है, और एंगल A 90 डिग्री है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, हमको फाइंड करना है एरिया, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, यानी वो हाइट पूछा गया है H, ठीक है। ABC अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो A से BC में जो लाइन जाएगा वो तो हाइट ही कहलाएगी, तो उसकी वैल्यू, और यहाँ पे हिंट है, हिंट की हमें ज़रूरत नहीं है, और हिंट को आपकी भी जरूरत, आपको भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद सोचिए कि क्वेश्चन क्या बोला गया है, हम क्यों हिंट को यूज़ करें। चलिए देखते हैं कैसे, ट्रायंगल एक ABC है और 90 डिग्री है, श्योर है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नो डाउट वो एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और यहाँ पे A में ही 90 है तो A को आप यहाँ पे कर लीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस, क्या हो गया हाइपोटेनस, और 90 है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाइथागोरस का प्लाई ना हो, या तो फिर एरिया है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल। अब ए है, बी और सी जहाँ भी आप चाहें वो राइट कर सकते हैं, आप यहाँ बी करना चाहें बी कर सकते हैं, यहाँ करना चाहें यहाँ कर सकते हैं। चलिए ए बी आपका 4 सेंटीमीटर और AC भी 4 सेंटीमीटर है। चलिए फाइन क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसे ही फाइन कर देते हैं फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास तो सभी कुछ है भाई फर्स्ट के लिए। चलिए अब सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं फर्स्ट के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट ही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्यों, क्योंकि हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट, क्योंकि हाइट भी है हमारे पास और बेस भी है, सो 1/2 बेस 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 है, सो 2 2 4 4 2 8 सेंटीमीटर, और क्या फाइन कर रहे हैं एरिया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये है फ्रॉम ए टू बी सी, ए से बी सी, यानी हमें बी सी का लेंथ फाइंड करना है, क्लियर। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस, तो अब आप क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका क्वेश्चन पे दिया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, सो 90 के सामने ही हाइपोटेनस होगा, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो BC की वैल्यू हमारे पास तो नहीं है, यह हाइपोटेनस है जो हमें फाइन करना है, इक्वल टू
ए बी 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो आपको क्वेश्चन पे ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, सो h इज इक्वल टू 16 16, 32, रूट 32 मीन्स 4 रूट 2 सेंटीमीटर, ये हुआ बी सी का लेंथ। अब यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ए से अगर हम एक और परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करें, गौर से देखिएगा, परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रा करें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, जैसे बोला गया किसमें, बी सी पे। तो हमें क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी अब हम इससे इसका लेंथ हमें फाइंड करना है, ए से लेके मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया डी, इस पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया डी, तो हमें ए डी का लेंथ चाहिए। तो देखिए, एरिया कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो ट्रंगल हो चाहे वो क्वारिलेटरल हो, अगर इसका आपने एक बार एरिया फाइंड कर लिया तो उसका एरिया वही रहेगा, चाहे उसके अंदर आप जो भी छिड़खानी करनी चाहे कर सकते हैं, लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा। सो नाउ अब आपका सेकेंड फाइंड होगा, जो हमें इसका लेंथ फाइंड करना है ए डी का। सो एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू, हमारे पास तो है एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है, 8, तो 8 आप कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है, 1/2, क्योंकि हाइट है हमारे पास 1/2 बेस। अब देखिए, ये 90 डिग्री यहाँ पे गया ना, तो जिस पे 90 डिग्री होता है वही उसका बेस हो जाता है, तो ये आपका बेस। क्यों, जैसे भाई ये आपका एक ट्रेंगल है, यहाँ से अगर हम 90 डिग्री ड्रा करें, ये आ गया 90 डिग्री, तो बेस क्या हुआ, ये बेस हुआ ना, ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये आपका बेस हुआ, तो ये आपका बेस हो गया बी सी, तो बी सी यहाँ पर कर दीजिए, और हाइट क्या है आपका ए डी, ए डी यहाँ पर कर लीजिए, इक्वल टू 8, ठीक है। 1/2 बी सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, ये देखिए बी सी यही तो है, एच, एच मीन्स क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस क्या है बी सी, कितना है 4 रूट 2, यहाँ पे 4 रूट 2 कर लीजिए, और ए डी हमें फाइंड करना है इक्वल टू 8, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 रूट 2 हो जाएगा। सो ए डी इक्वल टू 8/2 रूट 2, 2 4 जा 8। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म पे आंसर प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका आंसर है, लेकिन फ्रैक्शन में कभी भी अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो रेशनलाइजिंग जरूर करिएगा, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मतलब आप जब सॉल्व करते हैं और सॉल्व में आपको अगर इस तरह के आंसर आ रहे हैं तो याद रखिएगा, इसमें रेशनलाइजिंग ज़रूर करिएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता रूट, और आप कभी भी आंसर में देखे ही नहीं होंगे, ऐसा आंसर कभी भी आपको प्राप्त नहीं दिखा होगा आंसर में, ये बात याद रखिएगा। तो 4 ये रूट 2 है, तो रेशनलाइजिंग करेंगे यहाँ पे, रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, तो इसका मीन्स क्या होता है कि यही रूट को आप दो बार इंटू कर दीजिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, यही कहलाता है रेशनलाइजिंग। तो 4 रूट 2 में इंटू करेंगे तो 4 रूट 2 ही होगा, और याद रखिएगा, सेम रूट का कभी भी इंटू होता है उसकी वैल्यू वही हो जाती है। अगर रूट 10 में रूट 10 की मल्टीप्लाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत आंसर दीजिए, सर उसका 10 ही आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछे रूट 5 में रूट 5 का, तो आप तुरंत बोलिए 5 होगा सर, तो रूट 2 में रूट 2 का 2। और अगर वजह जानना चाहते हैं तो वजह भी हम दिखा देते हैं, ये रफ वर्क है सब जो एक्स्ट्रा लिखे जा रहे हैं। रूट 5 में रूट 5 की इंटू करेंगे तो रूट अगर सेम है तो वो 1 बन जाता है, और 5 इंटू 5 तो पेयर हो गया, तो पेयर आपका आउटसाइड आ जाता है, या फिर आप चाहें तो 25 कर लीजिए, 5 ही हुआ ना, हमने वही तो आंसर आपको बताया कि अगर सेम रूट में इंटू करेंगे तो वही आएगा आंसर। सो 2 2 जा 4, यानी आपका हुआ आंसर 2 रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। और अगर आप इसकी वैल्यू पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि एडी का लेंथ कितना होगा, मतलब रूट से भी हटके, तो हमने अभी आपसे थोड़ा टाइम पहले बताया कि इन सभी चीज़ों की वैल्यू में आपको याद होनी चाहिए। रूट टू का क्या होता है, 1.414 सेंटीमीटर, सो आप इंटू कर लीजिए, 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8.2, ये आपका फाइनल आंसर है। जितना डिजिट आपको लेना है ले सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलस। आइसोसेलस मीन्स विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल मीन्स
जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, सो ए बी एंड सी। अब यहाँ पे लिखा है हुज इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर ईच, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है, हम मान लिए कि ए बी और ए सी दो इक्वल है, ये आपका अनदर साइड्स इक्वल नहीं है, अगर ये भी इक्वल हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर, अब पैरामीटर का डिफिनेशन क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर, अगर सभी साइड्स को ऐड कर दें तो पैरामीटर होता है। तो अगर इस ट्रायंगल का पैरामीटर 30 दिया है तो भाई ये 12 24 हो गए, कितने हुए 24, तो बचे कितने 6, तो ये आपका थर्ड साइड 6 ना होगा, सिंपल। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि पैरामीटर आपका 30 दिया है, तो भाई कब किस कंडीशन पे होगा, जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 30, सिंपल। तो ए बी और ए सी 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 और ये सी ए को हम यहाँ पे कर देते हैं, वहीं पे कर देते हैं, नो डाउट ये 12 इक्वल टू 30, सो बी सी इक्वल टू 12 24 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सिंपल, क्लियर। अब यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, ए दिया तो ये 6, अब वही सेमी पैरामीटर कहानियाँ वही पुरानी, सेमी पैरामीटर हेरोन्स फार्मूला, और सेमी पैरामीटर के लिए पैरामीटर दिया है आपको, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये आपका सेमी पैरामीटर हो जाएगा, क्योंकि ऐड भी करेंगे तो भी 30 ही आएगा, सो अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला, सो एरिया इक्वल टू रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सो सेम पैरामीटर 15, और एक बात याद रखिएगा, सेमी पैरामीटर से कोई भी लेंथ बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो समझ जाएगा आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इससे बड़ा कोई साइड नहीं हो सकता। अब दो साइड तो 12 ही हैं, तो 12 दो बार कर लीजिए, 15 माइनस 6 कर दीजिए, 15 इंटू ये 3 हो जाएगा, 15 माइनस 12 ये भी आपका 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 6 15, सो सेटअप करिए माइंड से, ऑलरेडी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेटअप करते हैं, यहाँ देखिए 15 है, ठीक है, तो भाई पेयर तो बनेगा नहीं, क्योंकि 3 ऑलरेडी पेयर हो चुका है, 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, तो क्यों इस कुछ करें, 15 को रहने दीजिए अंदर, तो थोड़ा आगे से इक्वल टू कर लेते हैं, ये 3 का पेयर है 3 आउटसाइड, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 15 का पेयर तो बनेगा ही नहीं, 3 5 जा होता है ना, 3 का बनेगा ना 5 का, 15 को अंदर ही रहने दीजिए, तो ये हो गया 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन आप वैल्यू अगर चाहते हैं तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, देखिए 15 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं मालूम है, ये तो श्योर है कि नहीं मालूम, लेकिन आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट बता सकते हैं, हर एक नंबर का, कैसे, देखिए 15 है तो आप मैथमेटिक्स से ये फाइंड करिए कि किसका स्क्वायर रूट इसके करीब है, तो लास्ट अगर हम देखें तो 9 है, 9 होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, उससे आगे क्या होता है, फिर आगे होता है आपका 16, 4 4 जा 16, राइट भाई, आप स्क्वायर रूट ऐसे ही ना करते हैं, जैसे 1 का होता है, फिर किसका होता है 4 का होता है, फिर डायरेक्ट 9 का होता है, फिर 16 का होता है, तो 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट 3, क्या होता है 3, अब 16 का क्या होता है 4, तो 15 किसके बीच आ रहा है 3 और 4 के बीच आ रहा है, क्लियर, तो इसका मीन्स हुआ कि 15 की जो वैल्यू होगी, रूट 15 की वैल्यू होगी, तो आप पहले से ही 3 को लिख दीजिए, अब पॉइंट यहाँ लगा के जो आपकी मर्जी है पॉइंट के आगे आप लिख लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, 213 123 576 सही होगा, कोई गलत नहीं, अब आपसे बन जाएगा, बन जाना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई पूछे 21 का स्क्वायर रूट बताइए, नहीं होता भाई, परेशान ना हो ना, ये बताइए 16 लास्ट है, 16 क्या है, क्या होता है, ये 5 5 जा 25, श्योर है कि ये 16 और 25 के बीच में आ रहा है, तो 16 का क्या है 4, इसका क्या है 5, तो 5 एबव हो रहा है ना, तो इसका 21 में आप लिख लीजिए 4.123, कुछ भी लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल,
तो याद रखिएगा बात, बहुत बेस्ट ट्रिक है, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, गलत तो नहीं कर सकते, तो 3.873 डैश डैश डैश, सो इनटू करने में आपका आ जाएगा 34.857 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन 11 से भी ज़्यादा इजी है और दोनों एकदम सेम है। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, फिर वही आइसोसेलस विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। अब उसमें से ये बता दिया कि हुज बेस, बेस 6 सेंटीमीटर है, चलिए 6 कर लेते हैं, ए बी सी, और हमारे पास दो साइड नहीं दिए हैं। अब आइसोसेलस में दो साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल सिंपल, तो हम इसे वाई कर लेते हैं, इसे भी वाई कर लें। और यहाँ पे देखिए सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास है पैरामीटर, यही तो हमारे पास प्लस पॉइंट है, अगर ये ना दे तो बहुत ही टफ हो जाएगा। तो पैरामीटर की प्रॉपर्टी क्या है, सभी को ऐड कर दीजिए, तो y प्लस 6 इक्वल टू कितना है 16, सिंपल, y y को ऐड कर दीजिए 2y, 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए माइनस 6, सो y इक्वल टू 10, 16 माइनस 6 10, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2 5 जा 10, सो y की वैल्यू 5, मीन्स ये आपका 5 हुआ और ये भी आपका 5 हुआ, और एरिया ही तो फाइंड करना है, फिर अपनी दुनिया में आ जाते हैं हेरोन्स। तो चलिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ कर दो, सभी साइड्स को ऐड करके टू डिवाइड, लेकिन हमें पैरामीटर दिया तो क्यों हम ऐड करें, 16 ही होगा, ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, टू से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। सो अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस की वैल्यू सेम पैरामीटर 8 से कोई भी साइड बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 8 माइनस 5 8 माइनस 6, 8 × 8 − 5 = 3, 3 × 8 − 6 = 2। अब चलिए सेटअप करते हैं जिससे हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाए, 3 का पेयर तो ऑलरेडी है, 3 को बाहर कर दीजिए, अच्छा यहाँ 8 है तो इसको थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए, 2 × 4 या 4 इधर कर लीजिए × 2 लिख लीजिए, कर सकते हैं ना, 4 × 2 = 8, 2 × 2 × 2 मत करिएगा, अपने माइंड से करिए जिससे आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाए, इंटू यहाँ पे ऑलरेडी आपका 2 सेफ है, हो गया आंसर आ गया, कैसे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आउटसाइड कर दीजिए, और 2 का पेयर तो है ही है, उसे भी आउटसाइड कर दीजिए, तो 3 × 2 = 6 × 2 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें बताया गया कि द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग द राइट एंगल, जो राइट एंगल होगा, जो परपेंडी होगा वो 5x है एंड 3x − 1, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यानी हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस का लेंथ, जो हाइपोटेनस होगा 90 के फ्रंट पे, ठीक है, जिसका एरिया भी यहाँ पे दिया है, इफ़ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर, यानी एरिया दिया है 60 सेंटीमीटर और हमें सिर्फ फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री पे है, ए बी एंड सी, क्लियर, ये आपका 90 डिग्री है और 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है और हमें फाइंड करना है ए सी का लेंथ, और हमें यहाँ पे गिवन है एरिया, एरिया हमने राइट नहीं किया है, एरिया दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, चलिए ठीक है फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हमें दिया है 5x परपेंडिकुलर पे और यहाँ पे है 3x − 1,
तो इसमें आपके पास दो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में जो चाहे वो आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है पाइथागोरस, लेकिन उसके लिए तो अभी हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा, या तो फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल अटेंड कर लें 1/2 बेस × हाइट, क्योंकि हमारे पास एरिया यहाँ पे गिवन है। पाइथागोरस से हमें कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि एक्स है यहाँ पे, तो कुछ तो फाइंड होना ही नहीं है। तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अटेंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस, बेस आपका 3x-1 है, और हाइट क्या है आपका 5x = 60। ये 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा, और यहाँ इनटू करते हैं 5 3 15x² एक्स में एक्स का x² माइनस 5x × 1 5x, और 2 का इनटू करेंगे तो 120। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि यहाँ से आंसर आए, तो श्योर है कि मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। तो इसे सेटअप करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ax² + bx + c, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। सो इसे सॉल्व करते हैं 15x² - 5x, 120 को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए = 0। ये थोड़ा सा आपको लेंथी नंबर्स दिख रहे होंगे, तो एक काम करिए इसे आप कॉमन ले सकते हैं, तो एक छोटा हो जाएगा नंबर 5, 5 3 जा 5 1 जा एंड 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो ये 5 ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ अटेंड कर सकते हैं, तो 20 देखिए यहाँ पे कोई नंबर होता तो आपको मालूम है कि बैक साइड इसका इंटू किया जाता है, तो 24 3 जा 72 क्या हो गया लास्ट पे 72। अब आपको टेबल अटेंड करने हैं, क्या अटेंड करने हैं, टेबल, मतलब किसी का भी टेबल, कोई भी नंबर का आप टेबल अटेंड करिए जिसके टेबल में 72 आता हो, और जो नंबर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको प्लस या माइनस करने में 1 आ जाए, वही आपका फाइनल नंबर होगा। तो हम जैसे अटेंड करते हैं 9 8 जा 72, और 9 - 8 1 भी हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 5 तो कैंसिल हो गया है। सो लिखने का रूल्स क्या है, हम आपको बेस्ट रूल्स बता रहे हैं। यहाँ पे आप प्लस एक परमानेंट साइन कर लीजिएगा, या फिर हमारा एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, मिडिल टर्म्स का बेस्ट तरीके से बताया गया है। प्लस एक ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे प्लस परमानेंट साइन, मतलब आप सब के पास भी माइनस हो तो भी प्लस कर लीजिए, और जो नंबर हमने सेलेक्ट किया उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, और ये एक्स को बैक साइड कर लीजिए -24, जो जैसा है वैसे सेम कर दीजिए, सिर्फ चेंज करिए -1 के प्लेस को ब्रैकेट पे। अब एक साइन हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, कैसे गिफ्ट देखिएगा, इन दोनों में जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है, जो भी यहाँ पे साइन है, वो साइन को उठा के आप दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके पास लिख दीजिए, तो दोनों में ग्रेटेस्ट 9 है, ये साइन को आप यहाँ पर कर दीजिए। अब आप अपने आप से डिस्कस करिए, आपको प्लस करके 1 लाना है माइनस करके, तो आप श्योर है बोलेंगे एक सर माइनस करके, तो माइनस कब होता है, जब या तो प्लस माइनस में होता है या तो फिर माइनस प्लस पे होता है, यही दो कंडीशन पे होता है ना। तो एक ऑलरेडी आपको गिफ्ट मिल गया, हमने बताया था आपको एक साइन हम गिफ्ट देंगे, एक साइन आपको गिफ्ट हो गया, दूसरा साइन आप बदल दीजिए, तभी ना आप सब्ट्रैक्ट करके 1 लाएंगे। अब आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं, क्लियर। अब इसके बाद आप अपने रिदम पे आ जाइए, और याद रखिएगा ये जो लाइन हमने लिखा ये किसी बुक में नहीं नोटेड है, ना ही आपको कभी बताया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ये यूनिक लाइन है। आप अब हम जो लिखने वाले हैं वो आप पढ़े होंगे, आपके टीचर्स भी आपको ये लाइन पढ़ाए होंगे, ये कभी आप नहीं देखा होगा। और इसे हमने खुद बनाया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, नहीं कर पाते, उनके लिए बेस्ट रूल्स हैं। गिफ्ट देना इतना आसान नहीं होता। तो एक्स का आप इंटू करिए -9x + 8 में करिए 8x - 24। अब याद करिए आपके टीचर्स ये पढ़ाए होंगे, ये लाइन आपने हमेशा ये लाइन पढ़ा होगा, बुक में भी आप ये लाइन देखे होंगे, ये लाइन आप कभी भी नहीं देखे होंगे। चलिए अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉमन सो 3x, x - 3 3 जा 9 + 8 कॉमन x - 3, और ये आपका चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट होता है ना, जैसे कि
मान लो कोई स्मगलिंग कर रहा है तो पुलिस एक टोल प्लाजा बनाए रहते हैं चेक पोस्ट के लिए कि यहाँ से पहले चेकिंग कराओ, तो ये आपका चेक पोस्ट है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हुए तो आप तुरंत रिटर्न हो जाइए, आपने गलत किया है या हमने ही गलत कर दिया। अगर हमारे में भी नहीं आ रहा तो हमने भी गलत कर दिया, ये बात याद रखिएगा। ये चेक पोस्ट है, ये दोनों सेम होने चाहिए। सो एक्स माइनस थ्री ये आपका फैक्टराइज हो गया और थ्री एक्स प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो। वन बाई वन इसे अलग अलग कर लेते हैं, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो सो एक्स इक्वल टू थ्री एंड सेकेंड थ्री एक्स प्लस एट, थ्री एक्स प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो सो थ्री एक्स इक्वल टू माइनस एट सो एक्स इक्वल टू माइनस एट अपॉन थ्री। तो इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, क्यों उसकी वजह भी हम बता रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी लेंथ माइनस नहीं होता, मतलब कोई भी साइड हो। क्या कभी आपने सुना है कि ये लेंथ जो आपकी ये सामने लाइन ड्रा है, एक लाइन सेगमेंट है, क्या इसका लेंथ माइनस टू हो सकता है, माइनस फोर हो सकता है? नहीं, किसी भी चीज़ का साइड माइनस नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, निगलेक्टिंग, यानी पॉसिबल नहीं है, फिर आप नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू थ्री, और हमें फाइंड करना था ए सी की वैल्यू। सो फर्स्ट तो पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लें, ए बी इक्वल टू फाइव एक्स था, सो फाइव इंटू थ्री मीन्स फिफ्टीन, ये हुआ आपका फिफ्टीन। और जो डाउन साइड है बी सी इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, सो थ्री इंटू एक्स प्लेस पे आपका थ्री माइनस वन, थ्री थ्री जै नाइन, नाइन माइनस वन एट, फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड एट सेंटीमीटर, ये हुआ आपका एट। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ए सी फाइंड करना, अब हम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर और इज इक्वल टू स्क्वायर द सम ऑफ अदर टू, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू तो नहीं है लेकिन ए बी का 15 है और बी सी का 8, ए बी का 15 स्क्वायर बी सी का 8 स्क्वायर। सो ए सी 15 का तो आप ऑलरेडी जानते हैं 225, 88 जा 64। सो ए सी इक्वल टू 549628289 स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे रूट, सो ए सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, क्यों ये 289 17 का स्क्वायर रूट है और जो हमें फाइंड करना था वो यही है, ए सी की वैल्यू जो 17 सेंटीमीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री। चलिए एक ट्रेंगल बनाते हैं, यहाँ पे ये आपका बी हुआ, बी यहीं पे आप राइट करेंगे, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, ए बी टू ए प्लस वन, बी सी ए प्लस वन। इफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चलिए सॉल्व करते हैं, फाइंड इट्स पैरामीटर, तो पैरामीटर के लिए तो हमें सभी साइड चाहिए ना, तभी तो ऐड कर पाएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, 1/2, बेस बेस हमारे पास ए प्लस वन है, यह है ए प्लस वन, और हाइट क्या है 2a+1, बस उसमें एक्स था इसमें ए है, क्वेश्चन सेम है, देखिए यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो अब ए का इंटू करते हैं 2a में, तो 2a² ए में ए का 1 का ए, 1 में 2a का 2a, 1 में 1 का इंटू 1 और 2 का ट्रांसफ़र करेंगे 60 में तो 120 हो जाएगा। सो 2a² प्लस 2a प्लस ए 3a प्लस 1, 120 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस 120 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी आपका मिडिल टर्म से ही होगा, 2a² प्लस 3a माइनस 119 इक्वल टू ज़ीरो।
चलिए मिडिल टर्म्स करते हैं, तो 2 का फर्स्ट हम 119 में इंटू करेंगे तो होता है 238, याद रखिएगा क्या होता है 238। अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 238 हो प्लस माइनस करने पे 3 हो, तो वो है नंबर 17 का टेबल में 14, 14 जा 238। इसको लिखने का फिर से हम एक बार रूल्स अप्लाई करते हैं, प्लस परमानेंट साइन, एक ब्रैकेट लगाइएगा ए या कोई भी वेरिएबल्स हो उसे बैक साइड कर लीजिए, सिर्फ चेंज होगा तो प्लस 3 ए का प्लेस, ये दो नंबर को यहाँ पे फिट कर दीजिए। और रूल्स क्या था, जो एक गिफ्ट आपका साइन था, इन दोनों में जो भी ग्रेटेस्ट है वो साइन को यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये प्लस हो गया, ग्रेटेस्ट ये है। अब आप प्लस करके ला रहे हैं माइनस, तो माइनस करके ऑब्वियसली आप बोलेंगे, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए अब इसे इनटू कर लीजिए, 2a स्क्वायर, ए का 17 में 17a माइनस 14a माइनस 119 इज इक्वल टू 0, टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, इसमें आपका 2 तो कॉमन नहीं होगा, सिर्फ a कॉमन होगा, तो 2a प्लस 17, यहाँ भी आपका 7 कॉमन होगा, 7 2 हमेशा अगर कॉमन यहाँ डिस्टर्ब हो रहा हो तो आप बगल वाले को देखिए, हम बगल वाले को देख के कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ चेक पोस्ट है, ये तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ। तो 2 कब आएगा, जब हम 7 का टेबल अटेंड करेंगे तभी ना 2 आएगा, 7 2 14, इसलिए हमने 7 कॉमन किया। अब माइनस है, याद रखिएगा माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं एक बार हमारा मिडिल टर्म्स का ज़रूर वीडियो देखिएगा, उसमें फुल डिटेल आपको बताया गया है। अब 70, अब देखिए यहाँ 17 है, यहाँ 17 आना चाहिए, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे, तो 17 7 जा 199, अपोजिट डायरेक्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों सेम है, एक आउटसाइड कर लीजिए और एक ये हो गया ए और 7 इक्वल टू 0। चलिए 2a प्लस 17 ये पॉसिबल नहीं होगा, ये तो पहले से ही दिख रहा है, ठीक है, और सेकंड है आपका a माइनस 7, यही आपका पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि लेंथ जो होते हैं वो निगेटिव कभी भी नहीं होते। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस पहले से ही 17 हो गया, माइनस 17 अपॉन 2, तो आप लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल, यानी a इक्वल टू 7, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सो ए बी इक्वल टू 2a प्लस 1, तो 2a a के प्लेस पे 7 कर लीजिए प्लस 1, 7 2 14, 15 सेंटीमीटर, BC a प्लस 1, तो a का प्लेस में 7 है प्लस 1 यानी 8 सेंटीमीटर, तो ये क्लियर हुआ कि ये 8 हुआ और ये आपका 15 हुआ। अब जब तक हम ये साइड की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं, तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, यही तो हमें फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका साइड ए बी क्या आ गया 15, ये भी हमने सॉल्व किया 15, ठीक है, प्लस 8, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 15 का 225, 8 का 64, 6 5 4 9 6 2 8, ये तो सेम आ रहा है जो अभी हमने इसमें किया था, ये देखिए 289, सो ए सी इक्वल टू रूट ए सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, पैरामीटर, और पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सो हैंस पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी की वैल्यू सब यही है 15, बी सी 8 और ए सी 17, 17 8 25 5 30 10 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।